Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है और प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये तमाम बातें फिल्मों में सुनी होंगी, लेकिन फराह नाज जो अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत हीरोइंस में से एक रहीं, इन्हें प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ये बहुत कम उम्र में फिल्मों में आई थी, मात्र 17 बरस की उम्र में, और फिल्मों में आने के बाद तो इन्होंने पलट के देखा नहीं। ऐसी खूबसूरत हीरोइन, टैलेंटेड हीरोइन सब पे छा गई। क्या तुम दोनों मियां भी नहीं हो? हाँ साहब, हम दोनों की नई नई शादी हुई है और आज पहली बार घर से बाहर निकले हैं। मतलब वो सड़क पर बीच बाजार में तुम लोगों का झगड़ा नहीं हुआ था? झगड़ा? अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ। इन्होंने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी ही बदल डाली, वरना कहाँ मैं, एक अनाथ आश्रम में पली हुई लड़की, वहाँ मैंने बहुत दुख देखे साहब। लेकिन जब इन्हें प्यार हुआ, मतलब एक शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई विंदु दारा सिंह से, महान रेस्लर एंड प्रोड्यूसर दारा सिंह के बेटे से, तो प्यार को ये रोक ना पाई, दिल पे काबू ना पाया। लेकिन विंदु दारा सिंह के पिताजी चाहते थे कि अभी कोई ऐसी लड़की आए जो घर गृहस्थी संभाले, ये कामकाजी लड़की क्या कर पाएगी। और फराह खान की अम्मी जान चाहती थी कि कोई वेल सेटल्ड लड़का हो तो बात भी हो, विंदु तो खुद एक स्ट्रगलर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टार एक संघर्ष करते हुए अभिनेता के साथ विवाह कर दे। बस जी, विंदु जी ने और फराह जी ने ठान लिया कि अब हम एक दूसरे से ना मिलेंगे, प्यार की जो कस्में खाई थी हम उन्हें भूल जाएंगे। कुछ दिनों तक ये एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन इन्हें एहसास हुआ, अरे भाई ये तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। और फिर इन्होंने अपने परिवार वालों की मुखालफत को छोड़कर विवाह के बंधन में बंध जाने की सोच ली, शादी करी और शादी के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चे का नाम इन्होंने रखा फतेह। अब साहब फतेह तो इनके जीवन में आ गया, लेकिन इनकी शादी जो है शिकस्ता हाल पहुंच गई। जी हाँ, कुछ दिन तक तो चलो प्यार मोहब्बत की बातें हुई, लेकिन पता चल गया कि फराह का टेस्ट अलग, विंदु का टेस्ट अलग, दोनों ने तलाक का फैसला लिया। और तलाक होते ही फराह के जीवन में एक नौजवान आया, एक ऐसा लड़का जो निहायत ही खूबसूरत, एक ऐसा लड़का जो किसी ज़माने में स्टार था, एक ऐसा लड़का जो वाकई वेल सेटल्ड था, जो फराह नाज को समझता था। वो लड़के कोई और नहीं, वो हैं सुमीत सहगल। बराबर बोलो। वो क्या अंकल, आज हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था ना? अच्छा। यस अंकल, हम दोनों ने फंक्शन में एक्टिव पार्ट लिया। अच्छा। बस बस बस, पूछो मत अंकल, हम दोनों ने वहाँ समा बांध दिया। हाँ दादी, बाय गॉड, लोग हमारे प्रोग्राम में क्यों उठे थे? सच बोल रहे अंकल, शट अप। सुमित सहगल ने भी अपने करियर में बहुत सारे हंगामे किए, अपने खूबसूरती से बड़े दिल जीते, लेकिन फराह नाज को जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी वो सुमित सहगल से ही मिली। और बस फराह ने अपने पहले पति के बेटे के साथ और नए पति सुमित सहगल के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करी। देखिए, प्यार कितना भी दीवाना मस्ताना क्यों ना हो, आखिरकार जमीन पे कदम रखने पड़ते हैं उसे भी। ऐसी और भी बड़ी हैरतअंगेज दास्तानें सिर्फ पेज 3 रिपोर्टर पर।